देखिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रेडमी ए वन और रेडमी ए वन प्लस में क्या अंतर है। वैसे तो गाइज इसमें बिल्कुल भी डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी दोस्तों बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या डिफरेंट है और क्यों ये दोनों फ़ोन लॉन्च हुई है, दोनों में क्या अंतर पड़ रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपका इस सवाल का जवाब दे देने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। देखिए दोस्तों, दोनों में ही मीडिया टेक का ए 22 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगी, जो कि प्रोसेसर काफ़ी हद तक घटिया है। 12 NM की ये प्रोसेसर है जो कि काफ़ी पुरान है, और साथ ही में गाइज यकीन मानिए ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, तो प्रोसेसर के मामले में सेम ही है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। देखिए दोस्तों, दोनों में ही 6.52 इंच के एक HD+ डिस्प्ले मिलती है जो कि 400 nits ब्राइटनेस के साथ आती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर 60Hz रिफ्रेश रेट और 120Hz रिफ्रेश रेट दोनों में ही मिलती है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और डिस्प्ले के क्वालिटी में दोनों ही फ़ोन काफ़ी हद तक घटिया है। गेम वगैरह तो खेलोगे तो आप देख ही नहीं पाओगे कि कहाँ क्या हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्प्ले की क्वालिटी इसकी घटिया है। दोनों फ़ोन की सेम ही डिस्प्ले की क्वालिटी है। देखिए दोस्तों, दोनों ही फ़ोनों में 5000 mAh की बैटरी लगी है और 10 वाट की फास्ट चार्जर लगी हुई है, जो कि एक बार फ़ोन को चार्ज होने में बड़े ही आसानी से 2 से 2.5 घंटा लग जाएगी, और एक बार चार्ज हो जाए तो दिन भर की बैटरी बैकअप दे सकती है, 6-8 घंटा बैटरी बैकअप दे सकती है। नॉर्मल यूज करोगे इस फ़ोन में, ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे जो प्रोसेसर लगी है उसके हिसाब से। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में बैक में 8 MP का कैमरा लगा है, फ्रंट में 5 MP का कैमरा लगा है, तो कैमरा के मामले में भी दोनों फ़ोन सेम ही है, और दोनों फ़ोन की कैमरा सेम ही तरीके से घटिया क्वालिटी में फ़ोटो खींचती है, बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी में ये फ़ोटो उठाती है ये दोनों ही फ़ोन है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों दोनों ही फ़ोन 4G है, आउट ऑफ बॉक्स दोनों ही फ़ोन एंड्रॉयड 12 पर मिल जाएगी, तो दोनों फ़ोन यहाँ पर भी सेम है। बस गाइस डिफरेंट ये है कि रेडमी ए वन में आपको फिंगरप्रिंट की बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगी कहीं भी, लेकिन वही रेडमी ए वन प्लस में आपको बैक में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगी। जी दोस्तों, बैक में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही घटिया वाला फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाया गया है, जो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। जैसे कि हमने Redmi 3S और 3S Prime देखा था, सेम वैसे ही इनका भी है, बिल्कुल ही ये घटियापा है। एक ही फ़ोन को लॉन्च करेंगे, एक में फिंगरप्रिंट देंगे, एक में नहीं देंगे, ताकि ज़्यादा बिक सके। अब प्राइस पर भी थोड़ा हम नज़र दौड़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों, रेडमी ए वन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगी, सिर्फ 32, जिसकी प्राइस है 6499 रुपया, मतलब कि 6500। वही रेडमी ए वन प्लस को 32 और 32 दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। यदि आपने 32 वाला वेरिएंट लिया तो ये आपको बड़े आसानी से 7500 का पड़ेगा, मतलब 7499 रुपये में। वहीं यदि 32 वाले लेते हैं तो ये आपको 8499 रुपये पड़ेगा, मतलब कि 8500 में। और गाइस देखिए, गाइस की मतलब सेम ही फ़ोन लॉन्च करके सिर्फ फिंगरप्रिंट की वजह से मतलब एक अलग फ़ोन इन्होंने लॉन्च कर दिया कैसे। देखिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन दोनों में कोई भी फ़ोन को ना लीजिए, आपका पैसा बिल्कुल ही बर्बाद है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों पर मैंने पर्टिकुलर भी वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर पर्टिकुलर वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सुझाव भी दिया है कि कैसे आपको फ़ोन लेना चाहिए। तो गाइज यही थी इनके बारे में कुछ जानकारी, जरूर ही आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसी साथ हम इस वीडियो करेंगे समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय, जय हिंद जय भारत।